खबर आजमगढ़ जनपद से जहां नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा आजमगढ़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 के अंतर्गत आयोजित योग सप्ताह के अनुक्रम में आज 20 जून 2022 सोमवार को 3 योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम प्रातः 6 बजे मुकरीगंज पर नीमा कोषाध्यक्ष डॉक्टर वीपी सिंह के नेतृत्व में उपस्थित लोगों ने योगाभ्यास किया। प्रातः 7 बजे लालगंज बाजार में डॉक्टर देवाशीष शुक्ला के नेतृत्व में एक साथ कई लोगों ने योगाभ्यास किया। प्रातः 8 बजे से मोहम्मदी हॉस्पिटल मुबारकपुर में प्रभारी डॉक्टर शाह खालिद के नेतृत्व में योग प्रशिक्षक सुनील कुमार पाल ने विभिन्न प्रकार के योगासनों की जानकारी दी तथा योगाभ्यास और प्राणायाम कराया। योगाभ्यास कार्यक्रम के बारे में बताते हुए नीमा अध्यक्ष डॉक्टर डीडी सिंह ने कहा कि योग करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है तथा मन प्रसन्न रहता है। यह सिर्फ शारीरिक ही नहीं वरन मानसिक बल को भी बढ़ाने में मदद करता है। नियमित योग करने से कार्य में कुशलता बढ़ जाती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। डॉक्टर डीडी सिंह ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, योग के बिना जीवन संभव नहीं। आज के आधुनिक वातावरण की भागम भाग जिंदगी में हम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से थक जा रहे हैं। ऐसे में योग के नियमित सेवन से हम स्वस्थ रह सकते हैं। उपस्थित सभी लोगों ने बड़ी ही लगन और उत्सुकता से योगाभ्यास किया। इस अवसर पर डॉक्टर वीपी सिंह, डॉक्टर बीएन सिंह, डॉक्टर आरती सिंह, डॉक्टर शाह खालिद, डॉक्टर कमर जीशान तोराबी, डॉक्टर रिजवान कंबर, डॉक्टर सलमान अख्तर आदि लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया।